हमने टियागो सीएनजी और टैगोर सीएनजी की लॉन्चिंग की है, जिसका लोग बड़ी बेसब्री से एक इंतजार कर रहे थे। गाड़ी के अंदर क्या स्पेशलिटी है कि अगर आप उसको सीएनजी में चला रहे हैं तो सीएनजी में ही बंद कर सकते हैं और सीएनजी में दोबारा ऑटोमेटिकली वो चलेगी। हमारा मतलब कस्टमर्स वेट कर रहे थे, नाउ वी आर हियर विद सीएनजी मॉडल। टाटा अपने आप में एक नाम ही एक ऐसा है कि उसको सेफ्टी फीचर अपने बताने की जरूरत ही नहीं है। टाटा की एजेंसी के साथ हमारे शुरुआत से ही अच्छे लिंक्स रहे हैं। कस्टमर मेरी गाड़ी लेके जा रहा है तो वो सेफ रहना चाहिए, उस पर टाटा मोटर्स का हमेशा से फोकस रहा है। सर मतलब जो दूसरे ब्रांड हैं, बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है इसकी और जो फीचर्स दे रही है, जैसे 3-4 मॉडल इन्होंने उतार दिए हैं। इसकी सेफ्टी भी सर 4-स्टार रेटिंग है, उसके कंपेयर ये काफ़ी सेफ भी है। नमस्कार, इस समय कैथल के अम्बाला रोड पर हम मौजूद हैं और बात करें तो टाटा मोटर्स में मौजूद हैं, जहां टाटा मोटर्स द्वारा अपनी पहली दो गाड़ियां ICNG के नाम से लॉन्च की जा रही हैं। गाड़ियों की अगर बात करें तो टियागो और टैगोर दोनों गाड़ियों को आज लॉन्च किया जाएगा, जबकि दूसरे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो उनकी CNG गाड़ियाँ पहले आ चुकी थी, लेकिन उनके कंपेरिजन में टाटा मोटर्स की ये दोनों गाड़ियाँ कितनी उनको मात देगी, ये भी हम जानेंगे। कितने नए फीचर्स पहले टैगोर और टाटा टियागो में थे, उसके अगेंस्ट कितने फीचर्स अब इसमें दिए गए हैं, सेफ्टी पर्पज़ से भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल टाटा मोटर्स के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लॉन्चिंग से पहले तमाम लोग केक काटते हुए नज़र आ रहे हैं और केक काटकर टैगोर और टियागो की ओपनिंग सेरेमनी की जा रही है। लोग यहां पर आप देख सकते हैं कितना प्रेम टियागो और टैगोर से देखा जा सकता, काफ़ी लोग यहां पर इन गाड़ियों की लॉन्चिंग के लिए पहुंचे हैं। और एक ख़ास बात आपको बता दें कि टाटा मोटर्स द्वारा 8 गाड़ियों को कैथल साहिब ऑटोमोबाइल्स में भेजा गया था और पहले ही दिन डिलीवरी के दिन ही 8 की 8 गाड़ियाँ सेल की गई जा चुकी हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कस्टमर को गाड़ियां जो हैं वो सेल जो है वो की जा चुकी हैं। लॉन्चिंग आप देख रहे हैं, धमाकेदार लॉन्चिंग यहां पर की जा रही है, क्योंकि ICNG टाटा की टैगोर और टियागो की आज लॉन्चिंग की जा रही है। लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार उनका इस टियागो टैगोर को लेकर क्या कहना है। ICNG लॉन्च की गई उससे पहले भी लोगों का काफ़ी प्यार जो है टियागो टैगोर को मिल रहा था, क्योंकि सेफ्टी पर्पज़ से लोगों का कहना है कि टाटा की जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी किफ़ायती हैं। माइलेज की भी बात करेंगे कि CNG में टैगोर और टियागो कितनी माइलेज देगी और सेफ्टी पर्पज़ से कितनी जो बेस्ट है वो भी हम लोगों से जानेंगे। और जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, जो टाटा और टियागो की जो गाड़ी यहाँ से लेकर जाएंगे, उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने क्या सोच रखकर इस गाड़ी को जो है वो चुना है और गाड़ी की अपेक्षा। और जो लोग टाटा मोटर्स से यहाँ पहुँचे हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या क्या फीचर्स नए इस गाड़ी के अंदर लॉन्च किए हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम करता हूँ उनका, कि आज आप इस टियागो टैगोर की लॉन्चिंग पे हमारे शोरूम में आए और इनमें से मैक्सिमम लोग हमारे कस्टमर्स हैं जिनको हमने आज गाड़ी डिलीवर करनी है। हम लोगों ने टाटा मोटर की शुरुआत यहाँ फरवरी 2020 में की थी और पहले महीने में हम लोगों ने सिर्फ 5 गाड़ी रिटेल की थी। उस 5 गाड़ी से लेकर महीने में हम लोग 71 कार रिटेल कर रहे हैं। उस तक की जर्नी के लिए आप सभी लोगों का साथ और जो सहयोग आप लोगों ने दिया, हम तभी इतना कर पा रहे हैं। अदरवाइज टाटा को कुछ टाइम पहले लोग बड़ा किसी और नज़र से देखते थे, आज वही टाटा है जिसकी हर गाड़ी आज वेटिंग पर आ रही है और उसके फीचर्स, उसकी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो गई है कि सभी लोग उसको इस तरीके से लाइक कर रहे हैं। आज भी ये जो सारी गाड़ियां खड़ी हैं, हम लोग आज 9 गाड़ी डिलीवर करवा रहे हैं और सभी इसमें 8 गाड़ियां तो CNG हैं। इसके लिए लोग सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम चंदन पांडे है और मैं यहाँ का टेरिटरी सेल्स मैनेजर हूँ, एरिया मैनेजर हूँ और मैं यहाँ का सेल्स पार्ट देखता हूँ साहिब ऑटोमोटिव का। तो यहाँ आए हुए सारे हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे ग्राहक हैं, हमारे जो मीडिया पर्सन्स हैं, हमारे बैंकर्स आए हुए हैं, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे बीच आए एक कवरेज के लिए। और हमारे जो कस्टमर को तो आज हम गाड़ी दे रहे हैं, उनका ये प्रेम है टाटा ब्रांड के प्रति, इस डीलरशिप के प्रति, कि वो जो टाटा के लिए उनका जो प्रेम है वो समझ में आ भी रहा है अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द कंट्री। सो इसके लिए मैं आप सबका फिर से तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। सर आज किस तरह की लॉन्चिंग की गई है? ये आज हमने टियागो CNG और टैगोर CNG की लॉन्चिंग की है,
जिसका लोग बड़ी बेसब्री से एक इंतज़ार कर रहे थे कि टाटा में CNG अभी तक अवेलेबल नहीं थी, और इतने दिनों से जो लोग वेट कर रहे थे आज वो वेट पूरी हो गई है। आज हमारी ये दोनों गाड़ी लॉन्च हुई हैं, टियागो ICNG एंड टैगोर ICNG। पहले की कंपैरिजन की बात करें, जो पहले टियागो टैगोर थी उसके अपेक्षा कितना कंफर्टेबल अब इस गाड़ी को बनाया? कंफर्टेबल बहुत बढ़िया, इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। जैसे अदर कंपनीज में गाड़ियों में CNG में क्या होता है कि पेट्रोल से डाइवर्ट करनी पड़ती है CNG पे, या CNG से डाइवर्ट करनी पड़ती है पेट्रोल पे, बट हमारी गाड़ी के अंदर क्या स्पेशलिटी है कि अगर आप उसको CNG में चला रहे हैं तो CNG में ही बंद कर सकते हैं और CNG में दोबारा ऑटोमेटिकली वो चलेगी। आपको उसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पेट्रोल से CNG पे डाइवर्ट करनी है या CNG से पेट्रोल पे डाइवर्ट करनी है। और अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो टाटा अपने आप में एक नाम ही एक ऐसा है कि इसको सेफ्टी फीचर अपने बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी हर गाड़ी 4-स्टार सेफ्टी फीचर के साथ आई हुई है। इवन अल्ट्रोज़ की मैं बात करूं या मैं पंच की बात करूं तो 5-स्टार रेटिंग के साथ भी हमारी गाड़ियां अवेलेबल है मार्केट में। तो कस्टमर अगर आज की डेट में गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं कि यार खुद अगर हम हैं सुरक्षित तभी ये गाड़ी चलाने में मज़ा है, और टाटा इसमें नंबर वन है आज की डेट में। इसमें कुछ कहना ही नहीं पड़ता कि फीचर्स की अगर बात करूँ या सेफ्टी की बात करूँ तो टाटा इज़ बेस्ट। सर प्राइस की बात करें, दोनों गाड़ियों का प्राइस कितने से स्टार्ट? प्राइस बड़ा नॉर्मल सा रखा गया है कि हमारी टियागो CNG 6,19,000 रुपये से स्टार्ट है सिर्फ जी। और अगर टैगोर की बात करूं तो टैगोर 7.5 लाख रुपये से हमारी गाड़ी स्टार्ट है, जो इतने नॉर्मल प्राइस में हम लोगों ने रखा है कि मतलब कस्टमर सोच भी नहीं सकते थे कि कमाल है इस गाड़ी में इतने रेट के अंदर ये गाड़ी अवेलेबल हो पाएंगी। हाँ जी, कितनी गाड़ियाँ सेल होंगी सर आज? अभी इस लॉन्चिंग के दिन अभी तक हमें टाटा मोटर से 8 गाड़ी मिली थी, तो 8 की 8 आज मेरी गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, वो सारी डिलीवरी हैं, अभी साथ के साथ डिलीवर हो रही हैं सारी। और आज की डेट में मेरे पास कम से कम इसकी 28 से 30 बुकिंग पड़ी हैं CNG की, तो वो जब भी मेरे पास गाड़ी आएंगी सेम डे में डिलीवर करवा दूँगा। कस्टमर और आपके बीच एक कड़ी होती है बैंकर्स। हाँ जी, बैंकर्स का कितना आप लोगों को जो साथ मिल रहा है? बैंकर का बहुत बढ़िया साथ मिल रहा है। मैं एक्चुअली इस मार्केट में हूँ, 18-20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो सभी बैंकर्स के साथ मेरे बड़े पर्सनल रिलेशन हैं। एक जस्ट एक कॉल पे वो लोग इतनी सपोर्ट कर देते हैं कि मतलब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। 1 आवर के अंदर अंदर मैं गाड़ी डिलीवर करवा देता हूँ किसी भी बैंकर से टाइप करके, वो बैंकिंग वाला मेरे साथ कोई इशू नहीं है सर। तो जैसे बाहर से जो CNG लगवाते हैं और इसके अंदर इनबिल्ट CNG है, हाँ जी, आप कुछ डिफरेंस आए? डिफरेंस भाई साहब, बाहर से जो हम CNG लगवाते हैं हमें एक टेंशन लेनी पड़ती है कि RC में चढ़ पाएगी नहीं चढ़ पाएगी, इंश्योरेंस में चढ़ पाएगी नहीं चढ़ पाएगी, देन उसके फीचर्स। कल को अगर हम बाहर से CNG लगवाएंगे तो गाड़ी की जो वारंटी या गारंटी कुछ भी है वो सेम टाइम में ख़त्म हो जाता है, बट हम इसके साथ जो कंपनी फिट CNG है उसमें सब कुछ अवेलेबल होगा, आपको हर चीज़ की वारंटी गारंटी सब कुछ मिलेगा। एवरेज करेंगे? एवरेज तो इसकी आप मान के चलना कि पर KG 25-27 किलोमीटर्स की माइलेज दे रही है पर के। टाटा की पहली CNG लॉन्च की गई है आज, हाँ जी, से क्या आपकी? लोगों से तो आप देख रहे हैं जी माहौल, आप किसी भी कस्टमर से मेरे बात कर सकते हैं, थोड़ा सा माहौल वो भी आपको बता पाएंगे कि लोग कितने खुश हैं। भले जो गाड़ी मुझे मिली वो आज सेम डे में सारी गाड़ी डिलीवर हो रही है, उसके बाद भी लोग वैसे आपके सामने हैं जो वेट कर रहे हैं कि और गाड़ी मेरे को मिले तो मैं उनको डिलीवर करवा पाऊँ। तो जिस तरह से आप लगातार कस्टमर्स की जो डिमांड्स होती हैं उन पर खरा उतरते हुए काम कर रहे हैं, भविष्य में कैसा तालमेल रखेंगे कस्टमर के साथ? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जब से मैंने टाटा ज्वाइन किया है उन कस्टमर्स को मैं साथ लेके चल रहा हूं अपने। आज वही रीज़न है कि वो कस्टमर जो 2 साल पहले से मेरे साथ जुड़े थे वो आज भी जुड़े हैं, उनके रेफरेंसेज में मैं आज इतनी गाड़ी डिलीवर कर पा रहा हूं कि डीलरशिप उनकी है, वो कस्टमर मेरे साथ जुड़े हैं, उनके साथ मेरा ऐसा तालमेल ऐसे रिलेशन है कि वो आते हैं अपनी डीलरशिप समझकर गाड़ी लेके चले जाते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा भविष्य में भी मैं उनको इससे बेटर सर्विसेज दे पाऊं। थैंक यू। सर नाम? मेरा नाम चंदन पांडे है, मैं टेरिटरी सेल्स मैनेजर हूं जो कि साहिब कैथल एज अ इन सेल्स मैं देखता हूं। टाटा की पहली CNG गाड़ी लॉन्च की गई है, क्या कहना चाहेंगे? सर ये निसंदेह मतलब इस गाड़ी का काफ़ी दिन से वेट था मार्केट में, कस्टमर्स काफ़ी मतलब पूछ रहे थे कि टाटा कब से CNG में आएगी, सो मेरे हिसाब से CNG में इसका इम्पैक्ट भी आएगा अच्छा, और जो भी हमारा मतलब कस्टमर्स वेट कर रहे थे नाउ वी आर हियर विद CNG मॉडल। दूसरे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उनके अपेक्षा टाटा की गाड़ियों को लोग किस तरह से पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए सर, टाटा का टर्न अराउंड टाइम है, टाटा में लोगों का विश्वास बढ़ा है,
हमने R&D वगैरह पे भी हमने काम बहुत किया है। सेफ्टी पैरामीटर्स जो हमारा मेन फोकस होता है कि हमारे कस्टमर की सेफ्टी हमारे लिए प्रायोरिटी है, कि कस्टमर मेरी गाड़ी लेके जा रहा है तो वो सेफ रहना चाहिए, उस पर टाटा मोटर्स का हमेशा से फोकस रहा है। सो हम इस पर लगातार इस पर फोकस अपना जारी रखेंगे और हमारे लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन मतलब ग्राहकों की जो संतुष्टि है वो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है। गाड़ी एज़ कम्पेयर टू अदर लाइक मतलब जो दूसरी ब्रांड है, बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है इसकी और जो फीचर्स दे रही है, जैसे 3-4 मॉडल इन्होंने उतार दिए हैं कम्पेयर टू वैगनार की सिर्फ एक ही मॉडल है, बेस मॉडल दे रहे हैं वो। और इसमें कस्टमर के पास चॉइस है कि मतलब अकॉर्डिंग टू बजट वो कुछ भी ले सकता है, मतलब टॉप ले ले, बेस ले ले, और बिल्ड क्वालिटी तो है ही इसकी अच्छी। प्लस में फीचर कैसा आप महसूस करते हैं सेफ्टी पर्पज़ की अगर बात करें, किस तरह से बताया गया सेफ्टी के लिए? सेफ्टी का इनकी जो ग्लोबल सेफ्टी रेटिंग है इसकी जो टियागो की है 4 है आउट ऑफ 5 एज़ कम्पेयर टू अदर लाइक वैगनार होगी, वैगनार की तो रेटिंग ही नहीं है। और अगर मैं उसकी हुंडई की ओरा की बात करूँ उसकी भी रेटिंग नहीं है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू चूज़ टियागो। कैसा महसूस कर रहे हैं CNG गाड़ी आप लेकर? काइंड ऑफ प्राउड फीलिंग। मेरा नाम करमपाल सिंह है, कूड़ेखंगा में कलायत में मेरा। तो मैंने टाटा टियागो XM ली है यहाँ से। इनकी सर्विस शुरू से ही बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे से असिस्ट करते हैं और बहुत कम समय में ही बुकिंग होने के बाद जो गाड़ी दे रहे हैं। जैसे वैगनार बुकिंग कराई थी मैंने पहले, लेकिन 1.5-2 महीने तक उन्होंने गाड़ी दी, उसके बाद प्राइस बढ़ा के कह रहे थे कि गाड़ी अवेलेबल है, तो इस वजह से मैंने उसको कैंसिल करके टियागो को ही चुना। और इसकी सेफ्टी भी सर 4-स्टार रेटिंग है, उसके कंपेयर ये काफ़ी सेफ भी है। ये भी मेरा एक रीज़न था टाटा टियागो को चुनने का। काफ़ी अच्छी सर्विस टाटा इस टाइम प्रोवाइड कर रहा है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, तो होप कि हमें अच्छे फीचर्स मिलेंगे और फैसिलिटी ऐसे ही मिलती रहेंगी तो टाटा आगे बढ़ता रहेगा। थैंक यू सर। मैं कैनरा बैंक पुंडरी ब्रांच से ब्रांच मैनेजर जी। तो बैंक किस तरह की सुविधाएं दे रहा है लोगों को ताकि कस्टमर सीधे तौर पर टाटा कंपनी से जुड़ा रहे? जी, बैंक हमारा व्हीकल लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं बैंक में, और आपको आसान किस्तों पे और कम ब्याज दर पे बैंक आपको लोन प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हाउसिंग लोन के लिए या फिर हर छोटी छोटी स्कीम जिसमें आप मुद्रा स्कीम लगा लो या आजकल स्ट्रीट वेंडर को लेके भी लोन्स हैं, उस तरीके के लोन आप ले सकते हैं। और आसपास के गांव में जैसे कृषि को लेके लोन लेना चाहते हैं लोग अपनी पर्सनल नीड के लिए या किसी और काम के लिए, तो कृषि लोन भी देते हैं साथ में। एक साल तक अगर वो उस लोन को ठीक ठाक चलाते हैं तो एक और लोन हम उनको। आज जैसे टाटा की CNG गाड़ी लॉन्च की गई है, उसके लिए क्या कुछ बेनिफिट्स आपके बैंक के द्वारा दिए जा रहे हैं? टाटा की एजेंसी के साथ हमारे शुरुआत से ही अच्छे लिंक्स रहे हैं। श्याम कौशिक जी से अच्छे लिंक रहे हैं पहले भी, और वो अच्छे प्रपोजल हमें भी देते हैं और अच्छा उनके साथ बातचीत हमारी रहती है। और हम उनकी तरफ से जो भी पार्टीज़ हमारे पास आती हैं हम उनको अच्छी अपनी तरफ से अच्छा रिस्पांस देने की कोशिश करते हैं। और काफ़ी बैंकों में काफ़ी समय लगता है बैंक लोन पास करने में, कितने समय में आपका बैंक जो है वो कस्टमर्स को लोन दे देता है? जी सर, टाइम सिर्फ उन्हीं केसेस में लगता है कि अगर कस्टमर के एंड पे अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपकी तरफ से कम रह जाता है, तो अगर कस्टमर की तरफ से सभी उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, उसके KYC डॉक्यूमेंट या फिर जो भी उनसे उनका इनकम वेरीफाई करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं ऑन द स्पॉट अगर वो हमें मिल जाते हैं, तो उसके बाद एक दिन में तो आपको लोन सैंक्शन मिल जाता है।